हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी ठीक हूँ, पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। थोड़ा बहुत रह गया, वो तो आप लोग जान ही सकते, थोड़ा तो टाइम लगता ही ऑपरेशन के बाद। फ़िलहाल मैं ठीक हूँ। और समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं शुभ के, और गर्मी इतनी पड़ रही है ना फ्रेंड्स कि मैंने इसको समर कैंप मतलब कंटिन्यू नहीं कराया, बीच में गैप दे दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। और आप लोग जान ही सकते कितनी धूप हो रही है कि मतलब अगर 7 बजे से ही धूप शुरू जाती है, 8-9 बजे तो हम लोग निकल ही नहीं सकते हैं कहीं। तो इसी वजह से मैंने समर कैंप इसको कंटिन्यू नहीं कराया था, और व्लॉग भी नहीं बना पाई, इतनी गर्मी है। और गर्मी के कारण लाइट की और पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ हमारे यहाँ कम से कम 5 दिन कंटिन्यू पानी नहीं आया था, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। फ़िलहाल अभी आता है, आधी रात में पानी आता है, भरते हैं। तो यही सब चल रहा है, और मैं नहा धो के जो है एकदम पूरी तरह से फ्रेश हो चुकी हूँ। और सुबह के बज रहे हैं 10, और यहाँ आपको लग रहा होगा घर में छुट्टियों के बाद, वेकेशंस के बाद भी सन्नाटा है। तो सन्नाटा क्यों है मैं आप लोग को बता देती हूँ। शुभ जो है चला गया है वेकेशन मनाने अपनी बुआ के घर, उसको हो गए हैं 3 दिन। तो वो 3 दिन से वहीं पे है। वो कह रहा था कि मतलब मेरी छुट्टियाँ हैं तो मैं कहीं तो जाऊँ, आप नहीं जा रहे हो तो मुझे तो जाने दो। तो वो चला गया है। खुशी का एग्ज़ाम चल रहा है, खुशी का जो है सेकेंड ईयर का जो फाइनल एग्ज़ाम है वो चल रहे हैं। और प्लस आज जो है एनवायरनमेंट डे, कल था मतलब आज वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा, तो इसलिए आज खुशी की जो है एग्ज़ाम की जो शिफ्ट है वो मतलब डे शिफ्ट है 2 बजे से 5 बजे तक। पर सुबह ही बुला लिया था तो खुशी 7 बजे चली गई थी। उसके बाद 1-2 घंटा रेस्ट देंगे, फिर उसके बाद पेपर होगा उसका। तो टिफ़िन पैक कर दिया था खुशी को, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी जल्दी तो खा नहीं सकती, पूरा दिन का है, फिर 5 बजे छूटेगी, 6 बजे तक घर आएगी, तो इस वजह से टिफ़िन लेकर गई है। तो खुशी वहाँ गई है, और दीदी जो है, दीदी गई हैं मायके, उनको भी 5-6 दिन हो गए हैं मायके गए हुए, क्योंकि वेकेशंस है तो सबको अपने अपने वेकेशंस मनाने का पूरा अधिकार है भाई। तो दीदी वहाँ गई हैं, तो बस मैं बची हूँ घर में, भैया ऑफिस चले गए। आज थर्सडे है तो आज इनकी छुट्टी है बहुत दिन बाद, तो आज ये घर पर हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने, और नाश्ता करने के बाद सोच रहे हैं, आज थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है क्योंकि रात में हुई थी बारिश, तो हम लोग सोचते हैं शुभ से मिल आए जाके। तो अभी अगर मैं शुभ से मिलने जाऊंगी तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो फिलहाल नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते में मैंने बनाई थी भरवा तरोई की सब्ज़ी, जो कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, तरोई नहीं खाते वो तो। और खुशी के लिए टिफ़िन में आलू की भुजिया बना दी थी जल्दी में, क्योंकि टाइम नहीं था, उसको जल्दी जाना था। तो उनको जो है मैंने रात में बनाया था कटहल सूखा, तो उनको वो सब्ज़ी रखी थी, उसी के साथ मैंने दे दी है पराठे और चाय। तो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। मैं आलू की सब्ज़ी खाऊंगी, तरोई की मैं भी नहीं खाऊंगी, अभी मेरा मन नहीं है। तो नाश्ता करके फिर हम लोग निकलते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, नाश्ता वाश्ता हो गया हम लोग का, और अब हम लोग तैयार होने जा रहे हैं। तो आज है जो है वट सावित्री व्रत, तो जिसको बोलते हैं बरगदाही भी बोलते हैं, तो आज वो है। और वो हमारे घर में मतलब नहीं होती, क्योंकि मैं सासू माँ नहीं करती थी, इसीलिए हम लोग भी नहीं करते हैं। लेकिन जो है प्रसाद हम लोग को खाने को मिल जाता है, तो ये देख सकते हैं आप। तो ये प्रसाद मुझे आ गया है, भाभी है हमारे यहाँ पास में रहती हैं, तो वो दे जाती हैं हर बार। तो वो भाभी जो है हमारे एकदम घर की तरह है, तो कभी भी नहीं भूलती हैं कि रिंकी के यहाँ पर नहीं होती याली पूजा तो प्रसाद पहुँचा दें। तो प्रसाद मैंने ले लिया है, खा भी लिया है, और सबको दे दिया है घर में। तो थोड़ा सा प्रसाद है, तो मैं सोच रही हूँ दीदी के लिए भी ले जाऊँ, क्योंकि दीदी के घर में भी नहीं होता है ये वाला व्रत, तो दीदी को भी खिला दूँगी। क्योंकि प्रसाद तो होता है सबके मुंह में थोड़ा थोड़ा लग जाए, इतना ही बहुत है। तो मेरी तरफ से सभी बहनों को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, सबका सुहाग अटल रहे, अमर रहे, बस यही दुआ है। तो प्रसाद मैं दीदी के यहाँ भी ले जाऊँगी, दीदी क्या दीदी हैं, बहुएँ हैं, सब खा लेंगी। तो चलिए मैं तैयार होके मिलती हूँ आपसे। ये तो कार्टून देख रहे हैं, जब तक बोल रहे हैं तुम तैयार हो जाओ, तो मैं तैयार होके मिलती हूँ आपसे। तो भैया हम हो गए हैं तैयार, देख सकते हैं आप। मेरे पतिदेव कह रहे आओ, देर हो रही है। तो मैंने आज येलो पहन लिया, क्योंकि आज है थर्सडे। तो चलते हैं शुभ के पास, चलो हाई कर दो, मुँह बना के नहीं, इधर दिख ही नहीं रहे हो, इधर से अच्छा सा मुँह बना के करना। तो ये पतिदेव मेरे आज घुमाने जा रहे हैं मुझे।
रोने लगा ये देखो, हम लेने आए सही में। भेजेंगे नहीं तुमको। अरे हम भेजेंगे नहीं। ये देखो रोने लगा। अच्छा इनको पता नहीं था। अरे तो रो नहीं, तुमको लेने नहीं आए, लेने आए। चलो बढ़िया, हम भेजेंगे नहीं, तुम कैसे ले जाओगे। अरे लेने नहीं, बताओ माँ के आने से बच्चे खुश होते हैं। अपनी माँ से बात कर रहा है। कर लो कर लो, अब जो बातों में करिए रो रहे मीनू, तो रोए लगे रिंकी देखी। देखो मम्मी से बात कर रहा था, मुझे देख के रोने लगा। लेने नहीं आई, हमसे भेजेंगे। भैया मेरे आने से शुभ चला गया सदमे में, बाहर ही नहीं निकल रहा। ये देखो बुआ लाई सदमे से बाहर। ये सोच रहा मम्मी लेने आई इसीलिए सदमे में चला गया। अभी उसके कपड़े कहाँ खत्म हुए? हम तो तुमको मना करने वाले थे। तुम्हारे लिए वो वाला फ्लेवर लाए थे हम, अच्छा ये पसंद है। चलो ठीक है खा लो। तुम तो ठीक। तो भैया आप प्यार करने आ गया, मेरा बच्चा मेरे साथ, अब खुश हो है? अभी रुकोगे कितने दिन? रुकोगे कपड़े नहीं लाए तो कितने दिन रुकोगे? 10 दिन रुकना है। 10 दिन रुकना है, कपड़े आ जाएंगे तो आते जाते रहना। हाँ हम कपड़े दे जाएंगे, ठीक है? है सदमे में आ गया था बाबू। सदमे में आ गया तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ दीदी के घर से, और लंच वंच करके आराम से शाम हो गई है। तो अभी मैं आई हूँ थोड़ी देर, क्योंकि खुशी के कॉलेज से आने का टाइम था 6 बजे का, तो उससे पहले मुझे यहाँ आना था तो मैं आ गई। शुभ नहीं आया है, शुभ का वहीं मन लग रहा है तो मैंने भी छोड़ दिया थोड़े दिन के लिए। और हर जगह तो बच्चे नहीं रुकते हैं, जहाँ बच्चों को बहुत प्यार मिलता है बच्चे वहीं रुकते हैं ज़्यादा। वैसे भी वो ज़िद नहीं करता है कहीं पर, तो जितने भी दिन रुकेगा 2-4 दिन अपने मन से आ जाएगा। और अभी वैसे भी वेकेशन चल रहे हैं तो बच्चे कहीं तो जाएंगे ही, नानी के घर, दादी के घर, बुआ के घर, तो जहाँ बच्चों का मन करे। तो फ़िलहाल पानी वानी नहीं आया है, अभी आराम से बैठे हैं। आप लोगों के वेकेशंस कहाँ कैसे चल रहे हैं, कहाँ आप लोग गए घूमने, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मैं तो नहीं जा पाई हूँ दिल्ली वगैरह, क्योंकि गर्मी इतनी है बहुत ज़्यादा, और अभी तो मैं गई थी तो अभी इस टाइम तो नहीं जाऊंगी। और सब लोग आए भी थे, खुशी भी आ गई है कॉलेज से। और अब खाना वाना बनाएंगे शाम का, देखते हैं। मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना है, कुछ सामान लेना है, जाऊंगी इनके साथ अभी। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।